वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्यूब्स हैं, इनको एक्सपेंड करना है। ए प्लस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो पहली टर्म होती है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस वी क्यूब। तो ये एक्सपेंशन होगी और हमारा ए है 2x, फिर ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी, यहाँ 2x और बी है हमारा यहाँ 1, फिर 3 ए वी स्क्वायर, ए हमारा 2x और वी है 1 और लास्ट में 1 का क्यूब। तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, x का स्क्वायर x और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 3 2 जा 6 x और यहाँ 1। तो ये फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ फैक्टर करने हैं। तो ये चार टर्म है, 1 2 3 4 क्यूब्स हैं। तो मींस यहाँ a प्लस वी होल क्यूब होगा या a माइनस बी, सारी टर्म्स पॉजिटिव, इट मींस a प्लस वी होल क्यूब यहाँ बनेगा। तो a प्लस वी होल क्यूब होता है a क्यूब, तो ये किसका क्यूब होगा, 2 इंटू a का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इसको लिखना है 2 a होल क्यूब। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे b क्यूब, फिर 3 a स्क्वायर b, 3 a स्क्वायर v, a है हमारा यहाँ 2 a और b है v, ये देख लेना है क्या 12 a स्क्वायर b ही बनता है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 a स्क्वायर और साथ में ये v, और फिर लास्ट टर्म चौथी होगी 3 a v स्क्वायर, 3 a v स्क्वायर, a है हमारा 2 a और v है हमारा v, चेक कर लेना क्या 6 a b स्क्वायर बनता है यहाँ, 2 3 जा 6 a और साथ में ये b स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप। तो ये हो गया a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो ये हो जाएगा a प्लस b होल क्यूब। तो ये तीन फैक्टर आ गए, 2a plus b, तीनों सेम फैक्टर हैं। तो इस तरह से ये फैक्टर इसके होने हैं इस एक्सप्रेशन के। लास्ट है जो आज के लिए है सिक्स्थ पार्ट, जहां है 27 p³ - 1/216 - 9/2 p² + 1/4 p। तो यहाँ दो पॉजिटिव हैं टर्म्स, दो नेगेटिव, मींस यहाँ बनेगा a माइनस बी होल क्यूब। पहली टर्म है a क्यूब, तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो इसको लिखेंगे हम 3p होल क्यूब। फिर माइनस 1/216 ये होगा माइनस 1/6 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216। फिर ये होगी माइनस वाली टर्म 3a² v, a है हमारा 3p और v है हमारा 1/6, ये चेक कर लेना क्या 9/2 p² ही बनता है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27/6 बना। तो 27 और 6 3 के टेबल में आते हैं, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27, इसलिए ये जहां हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, जहां 2 रह गया और ये 3 का स्क्वायर 9 और p का स्क्वायर p स्क्वायर, मतलब ठीक है इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट इतना है। और लास्ट में होता है प्लस 3 a b स्क्वायर, 3 a b स्क्वायर चौथी टर्म यहाँ ये होगी। तो हमारा a है 3p और b है हमारा 1/6, इसको भी चेक करना है क्या 1/4p के इक्वल आता है, 6 × 6 है, तो 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 भी आता है, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, तो 3/6 का बन जाएगा 1/2, दूसरे 3/6 का भी बन जाएगा 1/2, क्योंकि 1 3 जा 3, 2 3 जा 6 और 1/2 × 1/2 1/4 और साथ में ये p 1 का स्क्वायर 1, तो ठीक है ये। और ये बन गया हमारा 3p माइनस 1 बाई
सिक्स का होल क्यूब, ये फैक्टर हो गए, तो इसका क्यूब, फिर माइनस थ्री थ्री पी स्क्वायर इंटू वन बाई सिक्स, फिर प्लस थ्री इंटू थ्री पी इंटू वन बाई सिक्स का स्क्वायर, और फिर लास्ट में माइनस वन बाई सिक्स का क्यूब। तो इस तरह से ये पार्ट करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करूंगा। ओके।